वाराणसी के गहने बापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, व्यास जी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति। 1993 से ज्ञान बापी के तहखाने में बंद था पूजा पाठ, वाराणसी के डीएम 7 दिन में करेंगे सारा इंतजाम। ज्ञान बापी विश्वेश्वर मामले में 5 फरवरी को होगी सुनवाई, कोर्ट ने दिया दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट देने का निर्देश। दिल्ली शराब कांड में केजरीवाल को 5वां समन जारी, ईडी ने 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की हुई शुरुआत, का राम मंदिर का सपना पूरा, चांद पर लहराएगा तिरंगा। विकसित भारत की इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर होगी खड़ी, राष्ट्रपति बोली सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बने सशक्त। सभापति धनखड़ ने संक्षिप्त में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, का आज मेड इन इंडिया बन चुका है ग्लोबल ब्रांड। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, का कुछ लोग संसद में आदतन करते हैं उड़दंग। पीएम बोले कुछ लोगों ने लोकतंत्र का किया चीरहरण, सांसदों से संसद सत्र के सार्थक चर्चा की अपील की। बजट सत्र से ठीक पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, सस्ते होंगे सभी स्मार्टफोन, घटाया आयात शुल्क। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बने प्रशांत कुमार, विजय कुमार की लेंगे जगह, योगी के हैं भरोसेमंद। झारखंड के सीएम आवास पर पहुंची ईडी की टीम, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन से कर रही पूछताछ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चला कानूनी दांव, ईडी पर SC ST के तहत दर्ज कराई FIR। सोरेन ने विधायकों से 2 पेपर पर करवाया हस्ताक्षर, एक में पत्नी कल्पना, दूसरे में चंपई का नाम। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने किया बड़ा दावा, कहा सोरेन को भागने में केजरीवाल ने की मदद। राहुल गांधी के काफिले पर बंगाल में पत्थरों से हमला, अधीर रंजन चौधरी ने TMC पर लगाया आरोप। इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल की सजा, तोसा खाना केस में 78 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। इमरान खान की पार्टी की चुनावी रैली में बम विस्फोट, धमाके में 4 नेताओं की गई जान, 5 अन्य घायल। रूसी फाइटर जेट SU-34 को यूक्रेन ने मार गिराया, 421 करोड़ 75 लाख की कीमत, हुआ भारी नुकसान। अमेरिका का F-16 फाइटर दक्षिण कोरिया में दुर्घटनाग्रस्त, पश्चिमी तट के पास हुआ हादसा, बाल बाल बचा पायलट। इंडिया को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम नीतीश कुमार, का हम तो पहले ही बोल दिए थे कि ई नाम ठीक नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, का मैंने करवाई जातीय गणना, क्रेडिट ले रहा है वो। मनोज सोनकर फिलहाल बने रहेंगे चंडीगढ़ के मेयर, विवाद पर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में मांगा जवाब। भारत पेपर्स लिमिटेड से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई, जम्मू कश्मीर पंजाब और यूपी में टीम ने मारा छापा। रामलला के दर्शन के लिए जूम एयरलाइंस की सेवा शुरू, श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए अयोध्या से किया आगाज। NBEMS ने घटाया नीट PG के आवेदन का शुल्क, 4250 रुपए की जगह अब देने होंगे 3500 रुपए। OBC संगठन ने मराठा आरक्षण को दी चुनौती, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका। दिल्ली में रियासी इलाकों में हजारों फैक्ट्रियां होंगी सील, LG ने मांगी लिस्ट, बचेंगे सिर्फ 24 जगहों के कारखाने। बाराबंकी में स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर सारा निशाना, कहा 2014 से पहले फटते थे बम, अब बदली तस्वीर। हिमाचल के ऊपरी इलाके में साल की पहली बर्फबारी, शानदार तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए पर्यटक। उद्घाटन से पहले अबू धाबी के मंदिर पहुंचे कई देशों के प्रतिनिधि, नेपाल और भूटान के राजदूतों ने बताया तीर्थ भूमि। 60% कन्नड़ भाषा वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने लौटाया वापस, अब विधानसभा से पारित कराएगी कर्नाटक सरकार। दिल्ली में आप और यूपी में सपा से गठबंधन करेगी कांग्रेस, दोनों दलों के साथ कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर तेज की बातचीत। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस तृणमूल की रुकी बातचीत, TMC ने कहा फिलहाल इंडी गठबंधन का हिस्सा रहेगी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले केरल जनपक्षम पार्टी का भाजपा में विलय, PC जॉर्ज बोले PM मोदी की रीतियों और नीतियों ने किया प्रभावित। आधुनिक सामाजिक परिवेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, का संयुक्त परिवार प्रणाली खत्म होने से बुजुर्गों पर आ रहा है संकट। संसद में दर्शकों के एंट्री पास बनवाने का बदला नियम, QR कोड और बायोमेट्रिक के बगैर नहीं मिलेगा प्रवेश। उत्तराखंड के भूस्खलन प्रभावित पागल नाला में बनेगी सड़क, 4 धाम तीर्थयात्रियों के साथ स्थानीय लोगों की दूर होगी परेशानी। राधा रतूड़ी बनी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, SS संधु का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आदेश जारी। सीएम धामी ने किया ITDA का औचक निरीक्षण, कंट्रोल रूम से शिकायतकर्ता से की बात, दिया मदद का भरोसा। समय से पहले बुरांश का फूल खिलने से वैज्ञानिक हैरान, कई बीमारियों में फायदेमंद फूल के औषधीय गुणों पर पड़ेगा असर। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाया बार रूम, नेताओं की बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तेज की तैयारी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क, पंजीकरण कराने वाले छात्रों को मिलेगी मनोवैज्ञानिक मदद। किसान मेला 2024 में सीएम योगी ने किया ऐलान, बोले 4000 किसानों को राम मंदिर के दर्शन कराएगी सरकार।
सपा नेता आजम खां को रामपुर कोर्ट ने दी बड़ी राहत। मारपीट डकैती के आरोप वाले डूंगरपुर प्रकरण में हुए बरी। मेरठ में तालाबों को खोदने की योजना चढ़ी, भ्रष्टाचार की भेंट। खोदना था तालाब, 15 फीट खनन कर माफिया को बेच दी मिट्टी। हरिद्वार से बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं हरीश रावत, लोगों से मुलाकात के दौरान आखिरकार जता दी अपनी इच्छा। नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार में बोले हिमाचल सीएम सुक्खू, बोले 2024 के लिए 34,490 करोड़ की ऋण योजना तैयार। हिमाचल सरकार ने वापस लिया डीजीपी का तबादला आदेश, प्रधान सचिव आयुष के पद पर ट्रांसफर किया अधिसूचना रद्द। जय शाह बने रहेंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, बैठक में कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभा।